हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 जून 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू, पीएबी, न्यूज ऑन एआर की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला जो आर्टिकल आया है वो आया है एक्चुअली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के बारे में। तो इस रिपोर्ट के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे लिए जो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो हम यहाँ पे इजिली कवर है वो कर सकें। तो देखो, सबसे पहली बात ये आती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या, क्या इन क्या क्या हमें जरूरतों पड़ी थी। देखो, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आए थे, उनको 2030 तक हमारे अचीव करने का टारगेट है वो रखा गया है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया को अचीव करना है, वर्ल्ड की जो बाकी अदर कंट्रीज हैं उनको भी अचीव करने के लिए डिसाइड है वो किए गए थे यूएन के द्वारा। बेसिकली इनकी बात हो गई थी, यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 2015 में, तो वहाँ इन सबको आगे डिसाइड है वो किया गया था। अब देखो, अहम बात यह थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे, इससे पहले चल रहे थे क्या चल रहे थे, वो चले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो कि थे 2015 तक। तो 2015 में जो ही ये गोल खत्म हुए उसके बाद नए गोल नए सिरे से स्टार्ट है वो कर दिए गए थे। तो इससे कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखनी है, ताकि एग्जाम वगैरह में मेन चीज़ों का कोई इशू वगैरह ना हो। अब आगे देखते हैं, आगे देखो इस रिपोर्ट में कहा क्या क्या गया है वो चीज़ें हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में कौन कौन से बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो दिए गए हैं। सबसे पहली बात थी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट कितने हैं। टारगेट देखो, मेन जो गोल हैं वो तो हैं 17, और फिर इनके अंदर अलग अलग गोल रखे गए हैं वो हैं अप्रोक्सीमेट 160 के आसपास। तो वो सब हमें सारे 160 तो नहीं रटने हैं, बट जो 17 ये मेन गोल है इनके बारे में जरूर हमें पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला कौन सा है, पॉवर्टी के लिए। तो ऐसे जो मेन मेन है इनके बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सबसे पहले तो बात है गरीबी को उठाना है, सेकेंड है वो है भूखमरी के लिए कि हंगर है उसको खत्म करना है। इसके बाद में अगली बात आती है वो आती है हेल्थ के लिए कि हेल्थ सभी लोग हैं वो हेल्दी में रह सकें। इसके साथ ही एजुकेशन की बात आती है, फिर जेंडर इक्वलिटी की। तो ये जो मेन है स्टार्टिंग के, ये तो आपको एटलीस्ट याद होनी होनी चाहिए। टोटल 17 गोल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ इनको मेंस की आंसर राइटिंग में भी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो कि वहाँ भी काफ़ी हेल्पफुल है वो रहते हैं। अब देखो, इसमें एक दो पॉइंट और जैसे आपको बताऊं कि किसने, यूएन के द्वारा एनुअली एक सर्वे किया जाता है कि आप भी देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल रखे गए हैं टारगेट के वो कहाँ तक हम अचीव कर पाएंगे, क्या क्या हालत है वो चल रही है। क्योंकि देखो, बीच बीच में अगर कोई भी काम कर रहे हो हम, लंबा प्रोजेक्ट हो, तो उसका बीच बीच में रिव्यू करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई हम कितने पीछे हैं, कितना हमें टाइम और लगेगा। तो इसलिए यूएन के द्वारा ये रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट गोल 2018 की रिपोर्ट है। इसमें इसमें इस चीज़ को चेक किया जा रहा है कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो टारगेट है ना, टोटल 17 के 17 टारगेट, इन टारगेट को हम कहाँ तक अचीव करने में सक्सेसफुल रहेंगे और अभी तक हम कहाँ तक पहुँच गए हैं और कहाँ कहाँ हम पीछे रह रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में एक चीज़ सामने ये आई है कि देखो, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें ना, वो काफ़ी हमारे लिए चैलेंजिंग टास्क वो बन चुका है। इसके साथ ये बात है कि जो हंगर की बात की जा रही है उसमें कहा गया कि हंगर है वो बढ़ गई है। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भूखमरी के शिकार हैं वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा खतरा वो मंडराता सामने आ रहा है। तो ऐसे कुछ इसमें पॉइंट रिपोर्ट में पॉइंट है वो सामने आए। तो इनके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम वगैरह में इनका यूज़ है वो कर सकें। तो इसलिए सारी बातें यहाँ पे डिस्कस आउट की गई हैं। तो इसके जो मेन गोल थे वो हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से मेन गोल हैं जिनके बारे में बेसिकली यूपीएससी की बार पूछ भी सकती है। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट ऑथोराइजेशन बिल एक्ट 2019 के बारे में। तो इसके बारे में देख लें, NDAA। सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इंडिया का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेनली है सीनेट का, यूएस सीनेट का। बट इंडिया का इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो, यूएस की जो सीनेट है वहाँ पे, जैसे इंडिया में लोकसभा होती है वहाँ पे जो होती है वो है सीनेट। तो यूएस की सीनेट ने एक बिल पास किया था जिसका नाम था नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट में एक्चुअली ये प्रावधान किया गया था कि वहाँ पे यूएसए है वो एक्चुअली कोई भी ऐसी कंट्री जिसके रशिया के साथ अगर आप बोलो कि मिलिट्री रिलेशन रहेंगे या डिफेंस रिलेशन रहेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलेशन वगैरह में छूट दी जा सकती है। तो देखो, थोड़ा आपको बैकग्राउंड से बताता हूँ। यूएसए में एक एक्ट बनाया गया है, CATS एक्ट। ये फुल फॉर्म तो आपको याद नहीं रखने की जरूरत है, CAATS एक्ट। इस एक्ट में एक्चुअली ये प्रावधान किया गया है कि यूएसए उस कंट्री पे सैंक्शन लगा सकता है जिसके डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ होंगे। अब आपको पता है कि इंडिया के रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन ओबियसली हैं, और ऐसी बात नहीं है, ख़राब भी नहीं है, बहुत अच्छे रिलेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर सैंक्शन है वो लगा सकता है। इस एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि अगर रिलेशन अच्छे हैं तो सैंक्शन लगाना होगा। मतलब रिलेशन अच्छे रखने हैं, जैसे कि आप ये मान लो कि अभी इंडिया के साथ, इंडिया के जो रिलेशन है वो रशिया के साथ काफ़ी अच्छे हैं डिफेंस के मामले में, और अगर अभी ये एक्ट है, इस एक्ट के तहत क्या होगा, इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे, क्योंकि भाई इंडिया है वो तो रशिया के साथ रिलेशन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं यूएसए के इंटरेस्ट के लिए नहीं है। तो ये यूएसए के पास एक एक्ट है। तो इस एक्ट में एक चेंज किया गया था, वो चेंज क्या किया गया था, वो किया गया था नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट में ट्रंप महाशय ने ये चेंज करवाया था कि भाई कोई भी जो कंट्री है उसको छूट दी जा सकती है 180 दिन की,
ये इसमें प्रावधान किया गया था कि 180 दिन की किसी भी कंट्री को छूट दे सकती है वो अपने रिलेशन चाहे उसके साथ ठीक रखे या ना रखे, मतलब 180 दिन का उसको मौका दिया जाएगा, फिर चाहे वो उस पर डिपेंड करता है उस कंट्री पे कि वो या तो डिफेंस रिलेशन को कम करना शुरू कर दे या फिर उनको जैसे भी हो आगे लेके जा सकते हैं। तो मतलब इसमें छूट देने के लिए, बिहेवियर पॉइंट को हटाने के लिए बेसिकली एक्ट है वो लाया गया था। तो अभी वहाँ के जो सीनेट है वो ये विचार कर रही है कि इस एक्ट को हटा दिया जाए, क्योंकि वो एक्चुअली आजकल ट्रंप की बातें नहीं माने, तो वो सारा सीन है। तो बस थोड़ा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नेशनल डिफेंस ऑथोराइजेशन एक्ट किससे रिलेटेड है, क्या सीन है, और इसके साथ CAATS एक्ट की भी थोड़ा हमें ये पता हो कि हाँ भाई USA से रिलेटेड है कुछ, वहाँ पे रिलेशन वगैरह की बात है डिफेंस रिलेशन की, तो हमारे एग्जाम में काम है वो बन जाएगा। देखो सारा डाटा किसी को भी याद नहीं रहता, ऐसा नहीं है कि सब सारी फैक्चुअल चीजें वो सब याद रहने वाली हैं, बस अगर एग्जाम में हम की पॉइंट पकड़ लो और हमें पता हो कि हाँ यार किस रिलेटेड है, जैसे अभी हमें पता चल गया कि अमेरिका से है, और अगर वहीं एग्जाम में होता तो सोचना पड़ता है यार यूके से है, पता नहीं कौन सी कंट्री से है, हो सकता है इंडिया का ही हो, तो ऐसे में यहाँ पे काफी बेनिफिट हमें मिल जाता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का था उसे हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, चैलेंज थे वो एक बार देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज काफ़ी बड़ा टास्क है, इसके साथ ही कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ रहे हैं, इनइक्वलिटी आपको पता है लगातार बढ़ती जा रही है कम होने की वजह, इसके साथ ही बात करें हंगर की तो हंगर तो और बड़ी समस्या वो बनती जा रही है, तो हंगर की बात यहाँ पे की गई है। तो इस तरीके के सारे पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। इसके साथ ही एक आ गया है कि देखो शहरों में जो अर्बनाइजेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से काफ़ी बड़ा चैलेंज बन के आ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट में। आगे जो अगला आर्टिकल हुआ है नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम के बारे में, तो नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम क्या है वो हम देख लेते हैं। ये एक्चुअली चलाया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अब आपको बता दूं अरुणाचल प्रदेश का जो आप बोलोगे स्टेट बर्ड है वो है वर्न हॉर्न, हॉर्नबिल है सॉरी, जिसकी हमने फोटो यहाँ पे देखी थी, ये है हॉर्नबिल, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये होती है, बेसिक फैक्ट आपको बताऊँ तो जो हॉर्नबिल है ये एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश और केरला का तो स्टेट बर्ड है, तो दो चीज़ें तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में अगली बात ये पाने की, तो ये पाया जाता है मेरे नेपाल वाला एरिया और अरुणाचल प्रदेश वाला जो बेल्ट हो गया पूरा, इस वाले बेल्ट में हिमालय के, इसके साथ ही आप देखोगे तो अंडमान निकोबार वाले हिस्से में भी है, नारकोंडम जहाँ पे है वहाँ पे, और इसी के साथ साउथ इंडिया में भी ये मेनली पाया जाता है। तो ये हमें बेसिक पता होना चाहिए, तीन चार जगह इसकी मेन मेन पॉइंट है वहाँ पे ये पाया जाता है और दो स्टेट का ये स्टेट बर्ड है। अब है क्या आगे, अरुणाचल प्रदेश ने क्या किया नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया इनके लिए, देखो इनकी ब्रीडिंग के लिए और इनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए एक्चुअली ये प्रोग्राम है वो चलाया गया है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो IUCN के नियर थ्रेटेंड लिस्ट में शामिल है, मतलब खतरा वतरा इन पर ठीक ठाक है। इसके साथ ही अहम बात है कि साइट्स की जो अपेंडिक्स जोन है उसमें शामिल है। तो देखो अभी इनका जो भी आप बोल सकते हो कि ये फिलहाल टाइम हो उनका नेस्टिंग का टाइम है, इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया है ताकि इनकी संख्या वो बढ़ाई जा सके और इनको कंजर्व है वो किया जा सके। तो ये आपको ध्यान रखना कि नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम है वो हॉर्नबिल के लिए स्टार्ट किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, जो कि मेरे लिए सबसे पहली बात है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम को भी इम्प्रूव करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में इनका काफ़ी अहम रोल ही होता है, क्योंकि ये बीज वगैरह को खा लेते हैं जो भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं और फिर उनको इधर उधर स्प्रेड कर देते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी है वो और ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो ये इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं, अगला जो आर्टिकल हुआ है BEE के बारे में, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में, देख लेते हैं क्या है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। देखो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है ना वो एक्चुअली एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि 2002 के पार्लियामेंट एक्ट बनाया था, जिसका नाम था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002। इस एक्ट के तहत इसका बॉडी का निर्माण है वो किया गया था, तो ऑब्वियसली स्टेचुरी बॉडी हो जाएगी। कंटेक्स्ट अभी कुछ ये है कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनर्जी को कंज्यूम करने, मतलब एनर्जी को ढंग से कंज्यूम करने के लिए, मतलब कि सीधी सी बात यह है कि एनर्जी का ज़्यादा लॉस भी नहीं हो और जो लोगों को डिमांड हो वो भी पूरी हो जाए, तो सस्टेनेबल एनर्जी का यूज़ है वो किया जा सके और कंज्यूम भी करनी है, इन सब के लिए कुछ स्टेप है वो उठा रही है, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो बॉडी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। काम क्या है इसका, इसका काम मेनली है कि एक तो एनर्जी एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करना, इसके साथ ही स्प्रेड क्या करना है एनर्जी एफिशिएंसी के साथ एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर भी है, फोकस करती है, इकोनॉमी को भी इससे काफ़ी बेनिफिट है वो मिलता है। तो ये इसका बेसिक जो काम है हमने यहाँ पे देखा। इसके साथ अहम बात यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करती है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अच्छा काम किया जा सके और स्टेट को पॉलिसी वगैरह बनाने में भी हेल्प करती है। इवन जो LED लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम था, स्ट्रीट लाइट जो प्रोग्राम था, वहाँ पर भी BEE के द्वारा काफ़ी अच्छा काम है वो किया गया था। तो अभी देखा जाए तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का है वो लगातार इस दिशा में बहुत अच्छे कदम है वो उठाते जा रहा है, तो अभी इसके बारे में न्यूज़ में थी। अगला जो आर्टिकल है वो आया है Unispace+50 के बारे में। तो कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि अभी एक्चुअली Unispace+50 है उसका एक्चुअली से आप ये बोल सकते हो कि एक एनिवर्सरी है वो होस्ट की गई थी, क्योंकि 50वीं एनिवर्सरी किस लिए
है क्या, वो सारा सीन हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहली बात तो ये आती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका यूनिस्पेस का मतलब है। प्लस 50 का हम तो समझ गए कि हाँ भाई 15th एनिवर्सरी है, इसलिए प्लस 50 यहाँ पे ऐड कर दिया गया। यूनिस्पेस का मतलब ये है कि देखो जो मतलब अर्थ के बाहर जो भी यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का जो यूज है ना, वो सभी कंट्रीज एक तरीके से पीसफुल तो यूज करेंगी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वेपन वगैरह लगा लें या मतलब एक तरीके से गलत यूज करें उसका। तो ये इसके लिए मेनली स्टार्ट है वो किया गया, तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मेन मोटो है वो क्या है। यूएन की कॉन्फ्रेंस थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ को फोकस किया गया था कि भाई जो भी हो, हम जो यूनिवर्स का जो ब्रह्मांड एक तरीके से बोलें उसका पीसफुल यूज़ है वो करेंगे। इसके साथ ही बाकी जो और स्पेस है उसको हम और ज़्यादा ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पे जो जो कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं उनका हम सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे वेपन वगैरह रखना शुरू कर दें, उसका मिसयूज़ हमें नहीं करना है। तो उसके लिए एक्चुअली इस मीटिंग को हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था यूएन के द्वारा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बेसिकली इस कॉन्फ्रेंस में और क्या हुआ है, इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, जैसे स्टेट और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करेंगी ताकि पीसफुल यूज हो सके। किसका? आउटर स्पेस का, मतलब अर्थ के बाहर जो भी स्पेस है उस स्पेस का पीसफुल यूज है उसको प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंस होस्ट की गई है इंटरनेशनल लेवल पे। उसको नाम दिया गया है यूनिस्पेस प्लस 50। और 50 का मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी 50वीं एनिवर्सरी है, इसलिए इसका नाम प्लस 50 यहाँ पे ऐड है वो कर दिया गया है। अब आपको इसका मतलब समझ में आ गया। इसके साथ ही एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ये ऐसी पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन की ऐसी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है स्पेस के लिए। 1968 में हुई थी, 1982 में, 1999 में और अभी 2018 में रिसेंटली। तो ऐसा आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहली कॉन्फ्रेंस ये नहीं थी, क्योंकि कई बार यूपीएससी ऐसे ही पूछ लेती है क्या ये रिसेंटली पहली कॉन्फ्रेंस वगैरह थी। नहीं भाई, इससे पहले भी तीन ऑलरेडी हो चुकी हैं। अब आगे इसमें एक छोटा सा पॉइंट और हुआ है, UNOOS की यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर, इसका मतलब और इसका काम क्यों, वो देखते हैं। ये यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है जिसका इसका मेन काम यही है कि भाई जो देखो आउटर स्पेस है उसका ढंग से यूज हो सके, मतलब आउटर स्पेस का एक तरीके से पीसफुल यूज है वो हो सके, इसको प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑफिस आउटर स्पेस है वो बनाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। स्पेस एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। इसके साथ ही देखा जाए तो जो सेक्रेटरी ये UNOOS है ना, ये एक्चुअली एक सेक्रेटेरिएट भी है किसका, इंटरनेशनल कमेटी ऑन ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, मतलब ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है ना इंटरनेशनल लेवल का, उसकी जो दिखा जाए सेक्रेटेरिएट तो वो UNOOS ही है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो कि स्पेस एक्टिविटी वगैरह को मॉनिटर करता है ताकि कहीं भी कोई नुकसान वगैरह ना, उसके उसके लिए बेसिकली ये डील है वो करता है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है स्कोच अवार्ड के बारे में, तो देख लेते हैं क्या है स्कोच अवार्ड और क्या इसमें बेसिक पॉइंट होते हैं। कंटेक्स्ट काफ़ी अच्छा है। अभी रिसेंटली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को स्कोच अवार्ड है वो दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा एक तरीके से अचीवमेंट है वो पाए हैं, इसके साथ ही इनके काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स हैं वो लिए गए हैं, इसलिए इनको ये अवार्ड है वो दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं भाई स्कोच अवार्ड दियो क्या जाता है। देखो स्कोच अवार्ड है वो एक्चुअली ये बोला जा सकता है कि हाईएस्ट इंडिपेंडेंट सिविलियन अवार्ड एक तरीके का ऑनर है। इसमें होता क्या है, ये एक्चुअली काफ़ी बेसिस पे दिया जाता है, पैरामीटर होते हैं, बट एक चीज़ ये ध्यान रखना कि किसको नहीं दिया जाता है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मेनली दिया जाता है एंड यूजर डिपार्टमेंट या फिर डोमेन मिनिस्ट्री को दिया जाता है, मतलब ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल पर्सन को दे दिया वगैरह, ऐसा कोई भी सीन नहीं है इसमें। आपको ध्यान रखना है केवल एंड यूजर डिपार्टमेंट, इसके साथ ही डोमेन जो मिनिस्ट्री होगी उसको दिया जाएगा। इसके साथ ही बात है किस सेक्टर में दिया जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यह मेनली गवर्नेंस हुआ, फाइनेंस, बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, कॉरपोरेशन, इसके साथ सिटीजनशिप, सॉरी कोऑपरेटिव सिटीजनशिप, इसके साथ इकोनॉमिक्स, इसके साथ ही इंक्लूसिव ग्रोथ है, इन सारे पैरामीटर के आधार पर अवार्ड है वो दिया जाता है। और देता कौन है, स्कोच एक थिंक टैंक है उसके द्वारा यह दिया जाता है। तो स्कोच कंसल्टेटिंग सर्विस एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा ये अवार्ड है वो दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली चाइल्ड एंड डेवलपमेंट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को ये अवार्ड है वो दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। हाइएस्ट एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिपेंडेंट एक तरीके का सिविलियन ओनर अवार्ड है, जो कि मेनली एंड यूजर डिपार्टमेंट या डोमेन मिनिस्ट्री को ही मिलता है। किसी पर्सनल सिटीजन को वगैरह को या फिर किसी और बॉडी वगैरह को अवार्ड है वो नहीं दिया जाता है। सेक्टर बता दिए कि गवर्नेंस के सेक्टर में, फाइनेंस, इन सेक्टर में अगर काफ़ी अच्छा काम किया जाता है तो वहाँ पे इस अवार्ड के द्वारा इनको नवाजा जाता है। तो ये तो थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। तो अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, आज हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने आज देखा नेशनल डिफेंस अथॉरिटीज़ एक्ट, जो कि USA की सीनेट का है। किस लिए, क्या रिलेटेड है ये, मेनली रिलेटेड इससे कि भाई किसी भी कंट्री के डिफेंस रिलेशन है वो रशिया के साथ होंगे तो USA को आपत्ति वगैरह का सीन है इसमें। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2018 रिपोर्ट, जिसमें आपको हमने अभी ये देखा कि
जो भूखमरी है, हंगर है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय, तो वो काफ़ी चिंताजनक बात है। इसके साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट थोड़े ढीले चल रहे हैं अभी, काफ़ी हमें टाइम लगेगा। इसके साथ हमने देखा कि अरुणाचल प्रदेश ने नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम चलाया है हॉर्नबिल को कंजर्व करने के लिए, जो कि नियर थ्रेटन लिस्ट में आता है यूसीएन की, और इसी के साथ ही अरुणाचल प्रदेश और केरला का स्टेट बर्ड है, उस साइट्स की अपेंडिक्स वन में आता है। नेक्स्ट हमने देखा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2002 के तहत एक स्टेचुरी बॉडी बनाई गई थी। काम क्या है, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज हो किया जा सके इसको प्रमोट करना, ये इसका बेसिक काम है। इसके साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करती है। नेक्स्ट हमने देखा यूनिस्पेस प्लस 50। यूनिस्पेस प्लस 50 का मतलब ये है सीधा सीधा कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई है एक, जिस 50 साल के बाद, जिसका मैन सॉरी मतलब 50वीं एनिवर्सरी हुई है उस कॉन्फ्रेंस की। इसका मेन मोटो ये है कि भाई अर्थ का जो आउटर स्पेस है, आप बोल सकते हो ब्रह्मांड है, उसका पीसफुल यूज हो सके, ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बम वगैरह लगा के खड़े हो जाओ। तो उसके लिए पहली कॉन्फ्रेंस नहीं, इससे पहले भी 4-3 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, चौथी कॉन्फ्रेंस अभी हुई है। इसके साथ ही हमने देखा यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर है, वो एक स्पेस एक्टिविटी के लिए है जिसका मेन काम यह है कि स्पेस है उसका एक तरीके से पीसफुल यूज है वो हो सके, इस चीज हमने देखी। इसके साथ ही हमने स्कोच अवार्ड देखा, जो कि स्कोच कंसल्टेंसी सर्विस है, जो कि एक थिंक टैंक है, उसके द्वारा दिया जाता है। अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को दिया गया, क्योंकि उनके अचीवमेंट काफी अच्छे हैं और उनके इनिशिएटिव्स भी बहुत अच्छे थे। हाईएस्ट इंडिपेंडेंटली एक तरीके आप बोल सकते हो कि सिविलियन ऑनर अवार्ड है, जो कि मेनली किसी डिपार्टमेंट को या फिर डोमेन मिनिस्ट्री को दिया जाता है, ना कि किसी इंडिविजुअल वगैरह को। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। देखो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी डिस्कशन में पॉइंट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। देखो जब हम मॉर्निंग में डिस्कशन करते हैं तो जो न्यूज़ होती है हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह में, वो सारी न्यूज़ वगैरह हम कंप्लीट करते हैं। जैसे कि अब अगर यही डिस्कशन हम आज इवनिंग में करते तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता, हम आज के दिन की भी सारी न्यूज़ उसमें कवर कर सकते थे। बट हम यहाँ पे मॉर्निंग में डिस्कशन करते हैं तो हमारे पास आज सुबह तक की, मतलब आप बोल सकते हो कि 5-5:30 बजे तक की जितनी भी न्यूज़ होती है वो हम यहाँ पे कवर कर पाते हैं। अगर इवनिंग में हम डिस्कशन करेंगे, जैसे इवनिंग को हम 7 बजे डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम 6 बजे तक की पे भी न्यूज़ है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसीलिए कई बार कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी न्यूज़ में ये पॉइंट्स नहीं आया, आपने एक दिन बाद बताया, वो इशू इसीलिए है। कुछ लोग जैसे काफ़ी सारी वेबसाइट, ऐसी बात नहीं है, जो और भी चैनल्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, इवन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के कंटेंट देखो ऑलमोस्ट सेम ही है, किसी ने यह है कि आज न्यूज़ बता दी है तो वही न्यूज़ आपको कल मिल जाती है किसी में, किसी में फिर वो, मतलब न्यूज़ क्या है घूमती फिरती रहती है, न्यूज़ अलग से तो कहीं आनी नहीं होती है। तो अगर आपको फिर भी कोई ऐसा डाउट हो किसी रिगार्डिंग की, नहीं वो न्यूज़ कंप्लीट नहीं है, तो आप ये चीज़ें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, आपकी हर जगह हेल्प है वहाँ पे की जाएगी। और PDF है वो आपको, जैसे मैंने बताया था कि वेलकम UPSC का पेज है फेसबुक पे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड है वो कर सकते हो। तो इसके बारे में मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। इसके अलावा आपको और भी कोई सजेशन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें।